बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था चाइनाज वेज टू प्रोग्रेस, और इसका जो टेक्स्ट हमने स्टार्ट की थी इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने, तो उस इंट्रोडक्शन को उस इंट्रोडक्शन का कुछ पोर्शन, उसका जो कुछ हिस्सा था वो बच गया था, उसको मुकम्मल करना है और फिर उसके बाद आगे इसकी डिटेल कि चाइना ने ये जो तरक्की का सफ़र है ये कैसे मुकम्मल किया है और अपने इस मौजूदा स्टेटस तक, अपनी इस मौजूदा पोजीशन तक वो कैसे पहुंचा है, और उसने पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो मगरबी ममालिक हैं जो कि चाइना से बहुत ज़्यादा नफ़रत रखते हैं या बहुत ज़्यादा गुस्सा उसके ख़िलाफ़ है उनके अंदर, तो उसको उन्होंने चाइनीज़ लोगों ने कैसे ख़त्म किया है और अपना मकाम उन्होंने कैसे बनाया है और दुनिया के अंदर उन्होंने अपना नाम कैसे मनवाया है। तो बात हमारी यहाँ तक रुकी थी, उससे आगे कंपेयर टू चाइना इन 1949, अगर हम चाइना का कंपेयर्ड मवाजना अगर करें, अगर हम मवाजना करें 49 के अंदर, चूंकि ये चाइना जो है बरसरे ये मार्ज वजूद में आया, केम इन टू एग्जिस्टेंस, और जो रशिया है वो 1917 में, तो अगर हम मवाजना करें, राइटर हमें बताना ये चाहता है कि चाइना का रशिया के साथ अगर मवाजना किया जाए, रशिया चाइना 1949 के अंदर मार्ज वजूद में आया और रशिया 1917 में, डिड नॉट हैव द ग्रिम इनहेरिटेंस, इनकी जो बहुत ज़्यादा सख्त इनका विरसा है ऑफ अ सेंचुरी ऑफ अ शटरिंग विद मल्टी कलोनियल एक्सपीरियंस, कसीर नो आबादियाती का जो मसला था, जो प्रॉब्लम था, उसके अगेंस्ट इन दोनों का जो मवाजना है वो बनता ही नहीं है। कैसे नहीं बनता चाइना और रशिया का मवाजना अगर आपस में किया जाए, तो इन दोनों की तारीख को अगर पढ़ा जाए, इन दोनों की जो हिस्ट्री है, ग्रिम डिटेल्ड हिस्ट्री है, उसको अगर पढ़ के आप इसका मवाजना करें, तो हमें पता चलता है रशिया नेवर सफर्स चाइना फेट, तो रशिया ने कभी चाइना जैसी मुश्किलात का सामना किया ही नहीं है। रशिया वो एक डिफरेंट, उसके मसाइल ज़रूर थे लेकिन उसके डिफरेंट मसाइल थे। रशिया नेवर सफर्ड चाइनाज फेट फॉर सच ए शार्प एंड परवेसिव वेस्टर्न इम्पैक्ट। अब बात ये है कि जो रशिया के प्रॉब्लम्स थे वो और थे, चाइना के ऊपर तो वेस्टर्न जो इम्पैक्ट था, मगरबी ममालिक का जो बहुत ज़्यादा गहरा असर था वो रशिया के अगेंस्ट नहीं था। दैट इट वॉज फोर्स टुगेदर विद मैनी अदर एशियाटिक सिविलाइजेशन, इसके अलावा चाइना के जो थे एशियाटिक, जो बड़े आज़म एशिया की कल्चर तहजीब व तमद्दन था, वो मसाइल और थे, इन टू अ काइंड ऑफ नेशनल शिज़ोफ्रेनिया, शिज़ोफ्रेनिया नेशनल पर्सनैलिटी, नेशनल नेशनल पर्सनैलिटी, काइंड ऑफ नेशनल पर्सनैलिटी, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ स्प्लिट इकोनॉमी, ये इसको जरा नंबरिंग का नाम दे देते हैं जी, एंड अबव ऑल टर्म्स ऑफ स्प्लिट कल्चर, स्प्लिट पर्सनैलिटी, ये तीन चार चीजें जिनका इसको सामना था, नंबर वन, नंबर टू और नंबर थ्री, वैसे नंबरिंग कर लेते हैं ताकि उसको जरा समझने में हमें आसानी रहे कि चाइना को दरअसल कैसे कैसे प्रॉब्लम्स का सामना था और चाइना ने उनके ऊपर कंट्रोल कैसे किया और फिर मौजूदा पोजीशन तक वो कैसे पहुंचा। दरअसल सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं थे बल्कि जो सबसे मेन प्रॉब्लम था वो ये था कि जो वेस्टर्न इम्पैक्ट था उसको उसके असर के नीचे काम करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं चाइना के लिए जो कि रशिया के लिए नहीं किए थे। तो जरा दोबारा इसको सुने, जो चाइना की जो इकोनॉमी थी स्प्लिट इकोनॉमी, टूटी फूटी इकोनॉमी थी, मुईशत नाम की कोई चीज ही नहीं थी, स्प्लिट कल्चर, कोई तहजीब तमद्दन कुछ भी नहीं था, स्प्लिट पर्सनैलिटी, और उनका तशख्स बहुत ज्यादा खराब था, और चाइना जो इलाका है वो बजाते खुद
बजाते खुद इतना उसमें प्रॉब्लम्स रही हैं, जैसा कि फेमाइंस वहां पे आते रहे हैं और फ्लड और इस किस्म की चीजें और लैक ऑफ रेन, लैक ऑफ फूड, इन चीजों का जो उन एरियाज के लोगों को सामना रहा है, उन सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल करना, एशिया के प्रॉब्लम्स को समझना और फिर वेस्टर्न इम्पैक्ट के नीचे दब के रहते हुए भी इतनी तरक्की करना, ये चीज बहुत ज्यादा उनकी इम्पोर्टेंट है। और ये चीज यहाँ मेंशन करना बहुत जरूरी है कि चाइना के लोगों ने कैसे अपने आप को आगे बढ़ाया है। इन चाइना द इंडिविजुअल हैज बीन रेस्क्यूड फ्रॉम आफ्टरमैथ ऑफ हिज अनफॉर्चुनेट हेरिटेज बाय द न्यू फाउंड कंपेनियनशिप, कॉमन पर्पस एंड डिसिप्लिन ऑफ मैस ऑर्गेनाइजेशन। चाइना के रहने वाला जो इंडिविजुअल फर्द या शख्स उसको रेस्क्यू किया गया है, उसको इन प्रॉब्लम से बचाया गया है और एक नई कंपेनियनशिप, नए पर्पस मकसद के लिए एंड डिसिप्लिन ऑफ द मैस ऑर्गेनाइजेशन, और एक अवाम के हजूम का जो डिसिप्लिन है उसको, उस डिसिप्लिन को उसके अंदर बरकरार रखा गया है। इंफरादी तौर पे जो अफरादी कुवत है उनकी, चाइना की जो अफरादी कुवत है, अफरादी कुवत के अंदर डिसिप्लिन और कंपेनियनशिप का पर्पस, ये चीज डेवलप की गई है। फिर उसके बाद देखें जरा, जस्ट एज वियतनामिस हैव विदस्टूड अमेरिकन टेक्नोलॉजी, जैसे वियतनाम के लोगों ने अमेरिकन टेक्नोलॉजी से नबूद आजमा हुए हैं, उन्होंने विदस्टूड किया है, उससे जान छुड़ाई है, ऐसे ही सो द एसेटिक मिलिटेंट, एसेटिक मतलब दरवेश आदमी, लापरवाह या दरवेश भी कह सकते हैं, लापरवाह भी कह सकते हैं, बेफिक्र आदमी भी कहा जा सकता है। लेकिन ये जो लापरवाह दरवेश किस्म के मिलिटेंट थे चाइनीज, हैव गॉन स्ट्रेट टू द रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट हैव प्लेग्ड एशियन कंट्रीज फॉर थाउजेंड ऑफ इयर्स। इन्होंने, ये जो दरवेश मिलिटेंट थे, चाइना के रहने वाले दरवेश लोग थे, फकीर सिफत इंसान थे, इन्होंने जो प्रॉब्लम्स की रूट्स हैं, रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम, मसाइल की जो जड़ थी, उनको समझा कि मसाइल की असल वजह क्या है, प्रॉब्लम क्या है, जो कि एशियन कंट्रीज सालों से सफर कर रहे थे, मुबतला थे। उन्होंने बड़े आजम एशिया के जो मुमालिक हैं, ये जिन जिन प्रॉब्लम्स का शिकार थे, उन प्रॉब्लम्स की रूट्स को, उनकी काजेज को समझा, पिक किया और फिर उसके ऊपर उन्होंने काम शुरू किया कि अगर हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें तो जैसे वियतनामीज लोगों ने चाइना से जान छुड़वा ली, हम लोग प्रॉब्लम से निकल आएंगे और बड़े आजम एशिया के लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो वो प्रॉब्लम्स क्या थे, यानी चाइनीज लोगों ने जो प्रॉब्लम्स की रूट्स को समझा और ये देखा कि वो प्रॉब्लम्स हैं कैसे कैसे, तो प्रॉब्लम्स दरअसल कौन कौन से हैं, अगर हम उन प्रॉब्लम्स की बात करें तो सबसे पहले चाइनीज लोगों ने कहा जी लैक ऑफ फूड, खाने पीने की चीजों की कमी, लो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, सेहतमंद चीजों का लेवल, इसको नंबर टू का नाम दे दें, ग्रॉस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन, इसको नंबर तीन का नाम दे दें, अनएम्प्लॉयमेंट इसको नंबर चार का नाम दे दें, एंड सेंस ऑफ सोशल यूजलेसनेस इसको नंबर पांच का नाम दे दें, एंड द ब्लाइंड एक्सपेंशन ऑफ द सिटीज इसको नंबर छह का नाम दे दें। इन्होंने, चाइनीज लोगों ने बड़े आजम एशिया के जो प्रॉब्लम्स जिनको इन्होंने पॉइंट आउट किया वो ये छह थे। खाने, नंबर एक खाने पीने की चीजों की कमी, यानी यहाँ पे लोगों को भूख प्यास का जो सामना होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया भी है कि इन ये जो चाइना है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमाइंस आते रहे हैं, कहत आते रहे हैं, जिसकी वजह से खाने पीने की चीज़ों की कमी हो जाती थी। लो लेवल्स ऑफ न्यूट्रिशन, खाने पीने की चीज़ें जो है वो सेहत अफजा होनी चाहिए, उनकी कमी नहीं होनी चाहिए, सेहत अफजा होनी चाहिए। ग्रॉस इनक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन,
कि आपकी इनकम और कंजम्पशन यानी आपकी आमदन कितनी है और आपका खर्च कितना है, इसके अंदर बैलेंस जरूरी है। अगर आपकी इनकम सपोज 1000 है और आपकी जो कंजम्पशन है, जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो 2000 है, तो आप नीचे चले जाएंगे, आपका दिवालिया निकल जाएगा, आप खसारे में घाटे में चले जाएंगे। जबकि अगर आपकी इनकम और कंजम्पशन बराबर हो फिर भी ठीक है, इनकम ज्यादा हो कंजम्पशन कम हो तो आप तरक्की करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जितनी एक्स्ट्रा इनकम होगी आप उसको रीयूटिलाइज करेंगे, आप उसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे जैसे आप उसको आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंक्रीज होता जाएगा। तो इनकम और कंजम्पशन के अंदर बैलेंस के जो प्रॉब्लम से मिसाइल थे उन्होंने इसको देखा। उसके बाद नंबर चार हमने लिखा है जी अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हम बेरोजगारी कहते हैं। अब ये जो बेरोजगारी की बात है, देखें जब तक किसी इलाके के लोग, किसी स्टेट रियासत के लोग, किसी मुल्क के लोग, जब तक वो अनएम्प्लॉयड होंगे, बेरोजगार होंगे, उनको खाने पीने की चीज़ों का की कमी का सामना होगा, उनके पास कोई जॉब नहीं होगी, कोई काम नहीं होगा, कोई बिजनेस नहीं होगा, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, तो वो मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? नहीं कर सकता। जब तक उनके जो इंडिविजुअल्स हैं, उनकी जो अफरादी कुव्वत है, उसको एम्प्लॉयमेंट ना दी जाए, उसको रोजगार के मौके इस इन टर्म्स एंड कंडीशन के तहत मुहैया किए जाएं कि उनकी लाइफ के अंदर सुकून हो, उनके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा हो, उनको टेंशन, खाने पीने की टेंशन ना हो, रोजगार की टेंशन ना हो, वो ज्यादा मेहनत और लगन के साथ आगे काम करेंगे और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। जो भी काम करेंगे उसके अंदर वो मेहनत करेंगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा मसला है किसी भी कौम के लिए। किसी भी कौम को ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है आगे नहीं बढ़ने देती, ये आगे दीवार बन जाती है किसी भी कौम के आगे, जब तक के इस चीज को खत्म नहीं किया जाएगा। सेंस ऑफ सोशल यूजलेसनेस, माशरती तौर पे उन्होंने कहा जी बेकार अफराद को, इनको किसी ना किसी काम के अंदर यूटिलाइज किया जाए, किसी को आवारा नहीं रहने देना, हर किसी को किसी ना किसी मकसद के अंदर यूज करना है। ब्लाइंड एक्सपेंशन ऑफ द सिटी, ये जो शहरों की आबादियां अंधाधुंध बढ़ रही हैं, ब्लाइंड एक्सपेंशन, उन्होंने चाइनीज लोगों ने ये भी महसूस किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो शहरों की आबादी अंधाधुंध बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ये नहीं बढ़नी चाहिए। क्यों नहीं बढ़नी चाहिए? इसलिए कि जब शहर बहुत, उनकी आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें कराची की, जिसकी इतनी ज्यादा आबादी है, जिसे आप मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं टू सम एक्सटेंट, तो आप देखें वहां पे मसाइल क्या है। सबसे पहले देख लें पानी का मसला, सफाई का मसला, हर गवर्नमेंट आती है सफाई के ऊपर वहां सियासत करती है, पानी के मसले पे सियासत करती है, जो कि बिल्कुल एक बुनियादी जरूरियात हैं। पानी, सफाई, गैस, बिजली, ये वो जरूरियात हैं जो बिल्कुल बेसिक और बुनियादी जरूरत, इनके ऊपर वहां पे लोग सियासत करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, और फिर वहां पे लोगों से वोट हासिल करते हैं, और फिर वो मसाइल वैसे के वैसे हैं। वजह क्या है कि कराची बहुत बड़ा शहर बन गया, आबादी बहुत ज्यादा, बड़ा पॉपुलेटेड एरिया बन गया, वहां पे प्रॉब्लम्स को, मसाइल को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बारिशें आती हैं तो प्रॉब्लम्स इतने हो जाते हैं कि उनको सॉल्व करना, यही चीज चाइना ने कहा कि ब्लाइंड एक्सपेंशन, कि शहरों की आबादी को इतना ना बढ़ने दिया जाए, जो लोग देहातों में हैं उन्हें वहां पे तमाम तर सहूलियात प्रोवाइड करें, तो वो लोग शहरों में नहीं आएंगे। शहर वाले लोग हैं तो वहां पे आबादी को कंट्रोल करने के लिए मुनासिब इकदाम करने का उन्होंने कहा कि ताकि उसको भी रोका जा सके, किसी हद तक कंट्रोल किया जा सके। तो उसके बाद है, ये चीजें इंट्रोडक्शन में हो गई। उसके बाद है जी डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, मुईशत का अदम इर्तकाज, डिसेंट्रलाइज के इकोनॉमी जो है उसको फ्रीज करके नहीं रखना, बल्कि उसे क्या करना है, एक्सपेंड करना है, उसे फैलाना है, उसे स्प्रेड आउट करना है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है छोटे छोटे कम्यून्स के अंदर, छोटे छोटे इलाकों के अंदर। तो इसको आप नंबर वन का नाम दे दें, ये हेडिंग वाइज अब हम इन चीजों को वो देखेंगे। द जाइगेंटिक चाइनीज सोशल एक्सपेरिमेंट डज नॉट ओनली कंसर्न एशिया हाउएवर बट द वेस्टर्न टू, विच द ऑलवेज क्लेम टू हैव द फाइनल आंसर टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द सिविलाइजेशन में। उन्होंने ये कहा कि देखें ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, उन्होंने एक तजर्बा किया। तजर्बा क्या था? तजर्बा ये था
कि इसको ये जो इकोनॉमी है इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, इसको स्प्रेड आउट फैला दिया जाए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये जो वेस्टर्न लोग हैं जिन्होंने हमेशा इन प्रॉब्लम्स का सवाल का जवाब देने की कोशिश की, तो चाइना ने क्या कहा, विच हैज ऑलवेज क्लेम टू हैव द फाइनल आंसर टू द प्रॉब्लम ऑफ मैन एंड सिविल। वेस्टर्न लोग, मगरबी ममालिक जो हमेशा इंसान के मसाइल का और उसकी सिविलाइजेशन तहजीब व तमद्दुन के सवालों का जवाब देना चाहते हैं, इसके मद्दे मुकाबल चाइना के लोगों ने अपने तरीके से उसको हल करने की कोशिश की। नेक्स्ट इसको हम बेटे आगे ऐसे वो करेंगे, अब इसका वो देख लें बेटा, सिनोनिम्स देख लें जो इस पैराग्राफ में से निकले। पहला जी जाइगेंटिक, इनॉर्मस, ह्यूज, बिग, डिसेंट्रलाइज, स्प्रेड, डिस्पर्स, स्प्रेड आउट, डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद है बेटा कंजम्पशन, यूजिंग अप, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिंग। उसके बाद है जी इनइक्वालिटीज, डिस्पैरिटी, इम्बैलेंस, डिस्प्रोपोर्शन, एसेटिक यानी कि दरवेश सिफत आदमी, रिक्लूस, हर्मिट, सेल्फ डिनायल के फकीर सिफत या दरवेश सिफत इंसान। नेक्स्ट इंशाल्लाह जी इसको हम आगे इधर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।